तो शुरू करते हैं हम ट्रेन टास्क के वीक का मंडे का एपिसोड। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक अच्छा वो वीकेंड का वार खत्म हुआ। नाउ इट्स पीपल आर गुड. नो नो या पीपल आर सेइंग कि वी आर ट्राइंग टू मेक हिम लुक राइट और विद दैट्स नॉट द थिंग यार. हम कोई या राइट नहीं है, कोई रॉन्ग नहीं है. दैट इज व्हाट वी आर दैट इज व्हाट या आई दैट वांटेड। वाज अ सिचुएशन दे वर पुट इन एंड समवेयर उनको भी तो अपना लेना है ना स्टैंड. एवरीबॉडी वाज प्लेइंग प्लेइंग गेम ओवर देयर. वो नहीं भूलना चाहिए अपने को. ये नो वॉइस बोल रहे हैं रुचि. क्या हो गया? ओ नाउ मैन, गुड, नाउ गुड. नो अब गुड। अब आ ठीक रही है है. आवाज? प्लीज एवरीबॉडी जस्ट कोई एक दो जन हाँ बोल दो। अब आएगी. अब बोले प्लीज पीपल जस्ट टेल अस वेदर यू कैन हियर अस। सब आवाज आ रही है? प्लीज कोई एक दो जन हाँ लिख दो। कैन यू हियर अस? हाँ अब आ रही है. रुचि जी ने हाँ बोला मतलब आ रही है. यस चलो चलो रुचि नाउ। हाँ तो ओके, तो हमको ये बोलना है कि जैसे फॉर एग्जांपल कल हमने वो मोकाला वाला टास्क के बारे में बोला था। हमारा यहाँ पे ये मुद्दा नहीं है कि हम हर एक चीज में शहनाज और सिद्धार्थ को सही करें। ठीक है, नोबडी इज राइट नोबडी इज रॉन्ग। दे ये इसीलिए हम ये रिव्यू कर रहे हैं ताकि ये दिखे कि चैनल का क्या नैरेटिव होता है और चैनल कैसे कैसे सिचुएशंस में डालता है कंटेस्टेंट्स को, और उसमें से कैसे ये लोग उनके हिसाब से जो उनको सही लगा वो कर कर रहे हैं। ठीक है, और ये हमें और हम उनको सम हमने हम ये सोच हम मतलब द वे वी डू रिव्यू इज वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि उन्होंने ऐसा क्यों किया किसी भी सिचुएशन में, कि क्यों किया, ये सही किया गलत किया, सही गलत किया हमें क्या पता। हमारा सही आपका सही नहीं हो सकता या किसी और का सही नहीं हो सकता। तो दिस इज नॉट अबाउट प्रूविंग एनीबडी राइट और रॉन्ग। ये बस एक लेयर्स के अंदर जाना है और समझना है हमारी समझ से। अगर आपको इस चीज से आप अग्री नहीं करते हो तो कोई बात नहीं है, इट्स फाइन। यहाँ पे हमारी बात को अग्री करना इज नॉट द गोल ऑफ नॉट द लाइफ। कंपल्सरी. या इट यू एब्सोल्युटली डोंट हैव टू अग्री टू आवर रिव्यू और आवर एनालिसिस एट ऑल। आपका थॉट आपका है, मैं हमारा थॉट हमारा है। बस हम थोड़ा जितना हमने देखा है जितना हमने समझा है वो हम हमारे तरफ से वो सामने रख रहे हैं, और थोड़ा लेयर्स के नी, नी, मतलब वी आर गोइंग अंडर द लेयर्स। ओके, वी आर नॉट मतलब जो चैनल ने दिखाया वो मान के नहीं चल रहे, बिकॉज चैनल ने कल जैसे मैंने बोला था वो मुंह काला करना टास्क इटसेल्फ, वो नाम रखना ही बहुत मतलब यू नो भद्दा था, वो करने की जरूरत नहीं थी। बट चैनल का काम यही है, ड्रामे करो और टीआरपी लाओ और ऐसे ऐसे इमोशंस को ऑडियंस के इमोशंस के साथ खेलो। बस यही यही है चैनल का काम। उनको टीआरपी चाहिए, उनको ड्रामा चाहिए। अगर आपको वो नैरेटिव सही लगता है तो ठीक है, नो एब्सोल्युटली नो इश्यू एट ऑल। बट दिस इज जस्ट वी आर नॉट सेइंग कि सिद्धार्थ हमेशा सही है, शहनाज हमेशा सही है। मैं और स्नेहा उनको किसी और एंगल से समझते हैं और समझते हैं कि कल का सिचुएशन वाज नॉट आइडियल फॉर बोथ ऑफ देम, बट दे डिड द बेस्ट व्हाट दे कुड फ्रॉम अ गेम पॉइंट ऑफ व्यू। वो यहाँ पे मैंने बहुत बार बोला था कल, वो इश्क का इजहार करने नहीं आया था शो पे। और अगर आप
समझ रहे हो ये गेम को, तो आप ये भी समझना चाहिए कि दूसरों की गेम क्या चल रही थी उस वक्त। उस हिसाब से मेरे को उसने, ही मेड द बेस्ट आउट ऑफ द सिचुएशन, टू मी दैट्स हाउ आई सी इट। ठीक है, इन लोग भूल जाते हैं कि अगर क्राई बेबी को एक मतलब और 5 मिनट मिल जाती या 2 मिनट भी मिल जाती, वो कुछ अच्छा नहीं बोलने वाला था शहनाज के लिए। वो उसको और गंदा बोलता जो ऑडियंस को और उसके खिलाफ करती। सो इट वाज अ गुड सिचुएशन, इट वाज अ सिचुएशन व्हिच मतलब जिसमें वो दोनों फंसे थे, एंड दोनों ने बहुत बोलते हैं ना प्राइड से वो सिचुएशन को हैंडल भी किया, एंड एट द सेम टाइम क्राई बेबी को इग्नोर भी किया, ये सोच के कि इसके इसके मुंह से कुछ अच्छा नहीं निकल सकता, ना सिद्धार्थ के लिए ना शहनाज के लिए। सो जस्ट लीव इट ओवर देयर। मतलब ये वही मुझे समझ नहीं आता है कभी कभी। लोग ना वो सिचुएशन देखते हैं, आगे का पीछे का सब कुछ भूल के सिर्फ वही सिचुएशन को इवैल्यूएट करते हैं। यू कांट डू दैट, यू एब्सोल्युटली कैन नॉट डू दैट। सो ऑके ऑल राइट, तो We'll सॉरी start मैं the अपने next one, पेजेस हाँ। टर्न कर रही हूँ, होल्ड मैंने ऑन। नोट्स नहीं बनाए, मैंने कल तो रात को देखे एपिसोड। हमारा संडे का वार हुआ और हमारी शहनाज को योगदान मिला, योगदान का अवार्ड मिला और वो इम्यून हो गई 1 हफ्ते के लिए। सो शी इज आउट ऑफ नॉमिनेशंस। तो अभी मंडे सॉरी चलो, तो अभी मंडे का शुरू करते हैं। मंडे का डे 64 ऐसे दिखाते हैं बिग बॉस। ओके, और रात का सीन होता है और यहाँ पे हमारा नया नया चुगली गैंग, मासी, फ्लॉप, काटा, क्राई और चिरकुट यहाँ पे बातें कर रहे हैं। सारे अभी राशन के साथ कैसे अनशन करेंगे, बॉयकॉट करेंगे, राशन के ऊपर से मुद्दा उठाएंगे। उनको मुद्दा चाहिए, उनको अभी हजम नहीं हो रहा है कि चोरी के टास्क में भी सलमान ने कुछ नहीं किया, रफादा मतलब वो हो गया और सिद्धार्थ को राजा बना दिया और शहनाज को फुटेज मिल गई, तो ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो अभी इन्होंने लाइक भले ही पूरा यूनानिमसली इनको वो किया है, अभी दे आर गोइंग टू मेक हिम पे फॉर इट। ठीक है, स्नेहा मुझे ऐसे लगा, जस्ट अ रैंडम थॉट, ओके, यू टेल मी व्हाट यू थिंक। जब सलमान वो सेइंग ना भाई आपको यूनानिमसली अनडिस्प्यूटेड राजा बनाया, अनडिस्प्यूटेड कैप्टन बनाया, बहुत बार बोला है ना वीकेंड के वार पे, आई फेल्ट लाइक ही वॉज वार्निंग सिद्धार्थ टू से अभी ये लोग इसका बदला लेंगे या वॉच आउट और समथिंग, आई डोंट नो। आई बिकॉज इतने बार बोलने की क्या जरूरत थी और उसको बार बार हाईलाइट करने की, या तो फिर चैनल का कुछ हुआ होगा कि ऐसे हो रहा होगा कि आप इसका मुद्दा बनाओ, ऐसे कैसे बना दिया यूनानिमस। नहीं, सलमान खान वाज लाइक टेलिंग ऑल दिस थिंग अगेन एंड अगेन जस्ट टू मेक द अदर कंटेस्टेंट अवेयर कि तुम लोग ने कितनी इजीली दे दिया सिद्धार्थ को कैप्टनसी। आई थिंक उसका वो मोटिव था टू मेक द अदर पीपल कि आप अंडरस्टैंड लोगों ने लड़ा कि नहीं उसके कैप्टनसी लिए। इज इम्पोर्टेंट, या आप लोग ने उस चीज के लिए लड़ा क्यों नहीं। अच्छा, बिकॉज जो टीचर टास्क था इट वॉज लाइक वी ओके ओके, कि हो गया वो टास्क अच्छे से, बट द थिंग वॉज देर वॉज नो मतलब वो कॉम्पिटिशन नहीं था वहां पर, तो इस वजह से कि शायद वो नोबडी ही वाज ट्राइड। टेलिंग कि हाँ वो बोलते हाँ हैं, नो बडी ट्राइड, इसके लिए वो 2-3 बार बोला उसने कि डोंट ट्राई टू बी इन गुड बुक्स विद एवरीबडी, मतलब तुम कॉम्पीट करो, दे वर नॉट कॉम्पीटिंग इन टीचर्स टास्क, हाँ तो उस वजह से बोल रहा था वो बार वो बार। लास्ट में भी बोलता है वीकेंड संडे वार पे कि ये इजी मत लो, शो एक्सटेंड हुआ है, खेलो अभी। या ओके ऑलराइट, बिकॉज दे वॉन्ट दैट फाइट ना, आगे आगे 5 हफ्ते TRP बरकरार रहे उनकी। करने। हाँ ओके, तो मॉर्निंग सॉन्ग चालू होता है 65, डे 65। ठीक है, यहाँ पे रुक 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 ओ माय डार्लिंग, मुझे ये गाना बहुत अच्छा लगता है, ये भी 90s का गाना आई थिंक। 90s का गाना है। तो यहाँ पे सिद्धार्थ है ना उठा रहा है सबको, जो लोग बाहर डांस नहीं कर रहे हैं उनको उठा रहा है, बिकॉज कैप्टन है,
वो सो नहीं सकते. क्राई और फ्लॉप और मासी सारे बैठे हुए वहाँ डाइनिंग टेबल के पास, और यहाँ पे यू नो शहनाज बोल रही है चलो अपनी ड्यूटियाँ करो, सब गंदा लग रहा है, लिविंग रूम गंदा लग रहा है. तो मासी बोलता है राशन नहीं आया. उनका चालू होता है धीरे धीरे राशन का मुद्दा खड़ा करने का. और फिर फ्लॉप बोलती है पूरा घर सफर कर रहा है इसके वजह से. तो फिर शहनाज वहाँ से हट जाती है. दिस इज जस्ट स्मॉल टॉक, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा यहाँ पे. बट बेसिकली वो अभी शुरू कर रहे हैं, दे आर यू नो ब्रेकिंग द आइस कि अभी ये मुद्दा उठाना है. तो यहाँ पे फ्लॉप जब वो चली जाती है शहनाज वहाँ से, फ्लॉप बोलती है वाइस कैप्टन कर्मा, ऐसे बोलती है. ये कर्मा बहुत वर्ड करना यूज हो रहा था बिकॉज वो वाइस कैप्टन एक अनसीन होता है टीचर टास्क के फर्स्ट. उनका जो जब कैप्टन बनता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग सारे लोग गार्डन एरिया में हैं, तो सिद्धार्थ बोलता है तू सोई मोटी बराबर. तो वो वाले अनसीन में बोलता है कि वो बोलती है कि मैं वाइस कैप्टन के मैंने सपने भी नहीं देखे थे. तो वहाँ वो I will शीज say why she is taunting the vice captain because एक सीन है जहाँ पे everybody is saying cry baby a vice captain of the flop sister. फ्लॉप. So that's why हाँ तो that's why वो भी मैं वो सिर्फ एक ही बंदे को observe कर रही थी पूरे सीजन में, that is शहनाज. अभी भी ये वही vice है वो. captain शहनाज ने ही, vice captain भी word जो है bro को इसने ही दिया था, या शहनाज ने ही दिया था, तो इसलिए वो रिटर्न. बट वो पागल औरत है. ठीक है ऑल राइट. तो यहाँ पर वीवो कॉर्नर पे मासी और रावण और काटा ये सब लोग पहले मासी और रावण बात कर रहे हैं. और मासी मासी रावण के साथ, मासी मासी रावण को कन्विंस राशन के करती बारे में पूछते हैं. है. हाँ वही वो राशन के ही वो इज ट्राइंग टू कन्विंस रावण की ये करो यार तुम लोग लग्जरी बजट दे दो वापस और राशन आएगा. लेकिन नहीं करता है वो. ही इज लाइक तू यू नो राशन है काफी है आज का चल जाएगा. रोटियां हैं मतलब आटा है चावल है. ही इज लाइक फालतू का मुद्दा मत बनाओ. सो ठीक है. तो फिर काटा भी वहां पे आती है एंड शी इज लिसनिंग टू ऑल दिस. फिर सिद्धार्थ कम्स और काटा को बोलता है कि अपनी अपनी ड्यूटी कर. फिर अभी उसकी ड्यूटी करने के लिए वो फिर राशन का मुद्दा बनाती है. कैप्टन इज सेइंग देयर इज नथिंग ही कैन डू, ऐसे बोलती है वो. उसका बस वो सब लोग अपना अपना एक 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 पूरा यू नो डिवाइड एंड कॉन्कर चल रहा है. डिवाइड एंड रूल चल रहा है इनका राशन का मुद्दा बनाने के लिए. तो अभी चिरकुट ठीक नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है. तो शहनाज क्राई बेबी को बोलती है कि जा जाके यू नो चिरकुट की हेल्प कर. तो क्राई बेबी बोलता है ये सारे लोग वीवो के पास है. ओके क्राई बेबी मोमो काटा और मासी ये सारे लोग वहाँ पे वीवो पे बैठे हैं. और शहनाज यहाँ पे स्मोकिंग रूम के बाहर का जो बेंच है वहाँ पे होता है ये यू नो चिरकुट बैठा हुआ. तो बोलती है कि बोलो उसको हेल्प करने के लिए. तो शहनाज और मसला दोनों चिरकुट को बोलते हैं कि यू नो देखो भाऊ आपको कोई हेल्प नहीं करता है वक्त. तो अंदर यहाँ पे अब्दुल्ला मैडम भी डिशेस का एक मुद्दा बना रही है. मतलब वो बेसिकली अंदर वो अलग उसका अलग चला रही है. सिद्धार्थ को अभी सिद्धार्थ के गुड बुक्स में रहना है और बिकॉज वहां से मोमो घास नहीं डाल रही है. तो यहाँ पे वो उस वो थोड़ी शी वॉज अनश्योर. वो इधर से भी बोल रही थी इधर उधर से भी बोल रही थी और उसको कोई भाव नहीं दे रहा था ना सिद्धार्थ दे रहा था. ऑब्वियसली गंदी वाली लड़ाई हुई थी और मोमो भी उसको घास नहीं दे रही थी और कांटा भी नहीं दे रही थी बिकॉज कांटा की भी थोड़ी हिल गई थी ना. सो एनीवे
और फिर बाहर ये वीवो का सीन कंटिन्यू होता है, क्राई बेबी और चिरकुट का। तो क्राई बेबी बोलता है मेरी किसी ने मदद नहीं की, मैं किसी की मदद नहीं करूंगा। तो शहनाज बोलती है देखो भाऊ देखो, ये किसी की मदद नहीं करता है। फिर सिद्धार्थ भी आके वहां पे बैठ के सुनता है कि क्या चल रहा है। तो शहनाज बोलती है कि स्टैंड लो देखो ये क्या कर रहे हैं ये लोग। और मतलब इट्स वेरी क्लियर कि क्राई बेबी क्लियर क्या, क्राई बेबी बहुत आलसी है। क्राई बेबी इज लिटरली क्राई बेबी, मतलब उसको कुछ नहीं करना है, एवरीथिंग इज एवरीवन एल्सस फॉल्ट। उसने कुछ किया ही नहीं है जिंदगी में, बस सब सबका एनीवे। सो वो फ्लॉक की क्राई भी मदद करता था बेबी का कुछ। ये वीक में राशन की ड्यूटी थी ना, तो इस वजह से वो बोलता है मैं किसी के लिए भी कोई काम नहीं करूंगा। ही सो स्टूपिड इडियट। वो बाद में मतलब इसके सीन के बाद में भी जब बर्तन की बात आती है, ही पुट्स ऑल द ब्लेम ऑन चिरकुट, बिकॉज क्राई बेबी का उसने बहुत क्लियरली बोल दिया था आई डोंट ट्रस्ट कांटा एंड चिरकुट, सो ही वाज लाइक व्हेन आई डोंट ट्रस्ट देम व्हाई शुड आई वर्क फॉर देम। हाँ अच्छा है ही, क्राई बेबी जैसा बंदा और फ्लॉप जैसी बंदी रियली मैच, अमेजिंग मैच है। रब ने बना दी जोड़ी, दोनों भी उतने ही भरोसे के लायक है, उतने ही सच्चा, उतना ही सच्चा प्यार करते हैं। अच्छा है दोनों एक दूसरे के लिए, मस्त है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट प्रूव होता है चिरकुट को कि ये लाइक क्राई बेबी भरोसे के लायक नहीं है। अंदर फ्लॉप की स्टार का मदद कर रहा है अपना क्राई बेबी, बिकॉज वो सिर्फ उस पूरे घर में वो सिर्फ उसी को, उसी पे भरोसा करता है, राइट? तो अभी वो डिशेस कर रहा है। फिर शहनाज बोलती है भाऊ आई विल देखो एड वन भाऊ वो पॉइंट ओवर किसकी हियर मदद कर रहा है। हाँ आई विल एड वन पॉइंट ओवर हियर यहाँ पे देखो, या झमोरी झमोरी बार बार सिद्धार्थ को बुला के बता रही है कि ये बर्तन कल रात के हैं, बर्तन ये कल रात के हैं, बिकॉज झमोरी वॉज हियर ऑल्सो ट्राइंग टू मेक बोथ दिस पीपल फाइट। वो चाहती थी कि सिद्धार्थ कुछ बोले, बिकॉज क्राई बेबी का वैसे ही है ना कि तुम यू जस्ट यू हैव टू पिन दैट बलून, वो वहां पे ही चालू हो जाएगा। तो उस जमुरी को पता था कि व्हाट इज द नेचर ऑफ क्राई बेबी, सो ही जस्ट वांटेड सिद्धार्थ टू पोक हिम वंस एंड ही विल लाइक बर्स्ट आउट। तो उस बस वजह से हाँ जमुरी बार बार सिद्धार्थ को बुला बुला के बोल रही थी ये देखो बर्तन कल रात के पड़े हैं, ये ऐसा ही करता है, वो वैसा, मतलब शी वांटेड कि वो फाइट थोड़ा और डीप हो उन दोनों के बीच में वहां पर। एग्जैक्टली वो वही कर रही थी, वो फिर हाँ से वो हाँ पूरे दिन में उसने 2 बार ट्राई किया वैसे हाँ झगड़ा लगाने का, बट सिद्धार्थ वाज लाइक वेरी क्लेवर, वो उसके जाल में फंसने वाला नहीं था उस टाइम पर। हाँ ओके सो तो शहनाज बाहर जाती है, बोलती है भाऊ देखो ये उसकी मदद कर रहे हैं अभी। उसकी ड्यूटी है क्या, बर्तन की ड्यूटी उसकी है क्या, ऐसे बोलती है। और उसकी ड्यूटी के परे वो कर रहा है, एंड शी इज लाइक सारे गेम खेल रहे हैं। और ठीक है, तो ये होता है अगर तुमने ये नहीं देखा ना बाहु तो तुमसे बड़ा डफर कोई नहीं है, ऐसे बोलती है वो, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे अंदर बेडरूम में अभी ये भाव की ड्यूटी, सॉरी चिरकुट की ड्यूटी के ऊपर जो मुद्दा हुआ, कांटा और अब्दुल्ला चिरकुट की ड्यूटी कर रहे हैं अंदर बेडरूम की, काहे के लिए खुद की ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे हैं? तो सिद्धार्थ आके बोलता है कांटा को प्लीज आप अपनी ड्यूटी कीजिए, ये होता रहेगा। तो डाइनिंग टेबल था उसका, टू क्लीन द डाइनिंग टेबल और पता नहीं क्या क्या था उसका ड्यूटी। तो मुझे कपड़ा चाहिए, कपड़ा नहीं है मेरे पास। और अब्दुल्ला को वो भी ठीक से काम हो नहीं हो रहा था, मतलब शी कांट डू एनी थिंग या वो लाइक शी कांट इवन मेक अ बेड।
बहुत आलसी है, बहुत आलसी है। ये घर का सब काम आता है, वो दिख के एक्टिंग आया भी आती होगा। है, एक्टिंग भी आती है, ऑपरेटिव वर्ड। तो यहाँ पर वो मुद्दा बना रही है कि कपड़ा नहीं है तो मैं अपनी ड्यूटी नहीं कर सकती, तो वो चीखे मार रही है वहां पे। तो सिद्धार्थ उसको बहुत लॉजिकली वो करता है, समझाता है कि यू डोंट नीड कपड़ा, शहनाज ने उससे किया था, कुछ पेपर था कुछ तो उसके साथ हो गया, तो पहले नाश्ता करेंगे ना, उसके बाद होगा ना ये सब, तो ऐसे कुछ इनका आगे पीछे होता है। बेसिकली इनको बॉयकॉट करना है, इनको पूरा उधम मचानी है सिद्धार्थ के कैप्टन में, किसी भी तरह उसकी कैप्टनशिप को खारिज करना है बेसिकली। दैट इज द पॉइंट। आई विल ऐड वन पॉइंट। इन लोग ने रात को बैठ के पूरी प्लानिंग की कि हम लोग ये करेंगे, बिकॉज क्राई बेबी एंड फ्लॉपी स्टार को खुद के कैप्टनसी का बदला लेना था। इसके लिए दे इन्वॉल्व ऑल ऑफ देम, मतलब पूरे घर वालों को उन्होंने इन्वॉल्व करके ये स्ट्रैटेजी बनाई कि हम काम नहीं करेंगे। लेकिन आई विल से हैट्स ऑफ टू सना, उसने हर एक इंसान से उसका काम करवाया। शी स्टार्टेड विद टेलिंग चिरकुट दैट सी नोबडी इज हेल्पिंग यू, तो उस वो पॉइंट से एवरीबडी स्टार्टेड फीलिंग गिल्टी, अरे अगर ये चिरकुट उनके टीम में चला जाएगा तो क्या होगा। हाँ, वो एक डर के मारे पूरे घर ने काम किया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो यहाँ बेडरूम में अब्दुल्ला से सॉरी से कोशिश करती है, सिद्धार्थ को बोलती है बेडरूम में कि देखो, वो बहुत स्वीट बनने की कोशिश कर रही है और बोलती है, आपने देखा यू नो क्राई बेबी के बेड के बगल में कितना कितना गंदगी है, थोड़ा देखना तो। मतलब दिस इज सेकेंड पूरी कोशिश इंस्टेंस कर वेयर रही, शी इज ट्राइंग टू इंस्टिगेट। हाँ पूरी कोशिश कर रही है। वो मेरी फैमिली पे गया, 2 दिन उसे बोल रही है, कोई उसकी फैमिली के लिए बदला नहीं ले रहा है। तो वो चाहती थी कि चलो, बिकॉज सी अगर तुमको तुम्हारी फैमिली को कुछ बोला और इतना हर्ट हुआ तो तुम सामने सामने लड़ लो, व्हाई यू वांट अदर पीपल टू फाइट फॉर यू। सो यहाँ पे उसको वही था कि अब तक मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि इन दोनों में और झगड़ा हो। दैट्स व्हाई शी वाज लाइक पोकिंग अगेन एंड अगेन सिद्धार्थ की, देख ये ऐसा कर रहा है, देख वो ऐसा कर रहा है। एंड सिद्धार्थ वाज लाइक लीव इट, मुझे नहीं कुछ करना है। He had to choose his battles carefully. So, वो तो उसने देख लिया ना था ना वीकेंड के वार पे कि हाउ पीपल आर लाइक, सलमान खान इनडायरेक्टली बहुत कुछ बोल जाता था उसको कि यू हैव टू बी केयरफुल विद द पीपल अराउंड एंड ऑल। तो वो पीपल अराउंड में तो जमुरी भी आ ही जाती है ना। एंड वो सी दुश्मन अगर अपने साथ कुछ भी करे तो वी कैन स्टिल टेक इट कि अरे उससे तो कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, वो तो हमेशा ऐसा ही था। बट अपना दोस्त हो बनने के बाद बैक स्टेप करे, उस लोगों से ज्यादा चौकन्ना रहना चाहिए। हाँ, सो दैट्स व्हाट सिद्धार्थ वाज डूइंग दैट वीक। ही वाज वेरी केयरफुल, ही डिडंट वांट, मतलब एक सीन है जहाँ पे ही इज टेलिंग मासी कि क्या मैं यहाँ झगड़ा करने आया हूँ, क्या मैं लोगों से लड़ाई करने आया हूँ, नहीं तो मैं क्यों पढ़ू किसी और की लड़ाई में, अगर मेरी लड़ाई है तो मैं कर लूंगा। वॉज वेरी क्लियर देयर इज लाइक वन दैट। अनसीन बिटवीन मासी एंड सिद्धार्थ कि अगर इट्स तू वेरी मेरे से अच्छे से बात करेगा तो मैं अच्छे से करूंगा, लेकिन मैं किसी के झगड़ों में नहीं पड़ने वाला हूँ अभी से। ठीक है। तो यहाँ पे फिर चिरकुट आके झाड़ू लेकर अपना झाड़ू साफ करना चालू चालू होता है। तो ये फ्लॉप फ्लॉप आती है, बिकॉज फ्लॉप बहुत फ्लॉप और मोमो बहुत तेज है इस मामले। भाव मैं कर रही हूँ ना, मैं करूंगी ना, आप मेरे को बोलो, आप मेरे साथ ऐसे क्यों बोल रहे हो, उसका अपना गेम चालू होता है। क्राई बेबी बट शी वॉज कि वेरी स्मार्ट इन कीपिंग द वेरी टीम इंटैक्ट, बिकॉज वो वेरी देखो स्मार्ट। जब कांटा लगा और इसका झगड़ा हुआ लग्जरी बजट में भी, शी मेड बोथ ऑफ देम अंडरस्टैंड एंड शेक हैंड्स। सेम वे यहाँ पे भी चिरकुट को भी वो वही समझा रही थी कि
तुम किसी की बातों में मत आना, बिकॉज आई विल से क्राई बेबी का टीम जो ये हफ्ते इंटैक्ट था ना, वो सिर्फ और सिर्फ फ्लॉप के स्टार की वजह से था. शी हैड या दैट पावर टू, क्या बोलते हैं, कि किसी टू को भी अपनी मैनिपुलेट. बातों में उलझा ला. हाँ हाँ, उलझा. या सो हाँ दैट शी वॉज डूइंग फॉर क्राई बेबी. या बिकॉज उसको भी रहना था ना गेम में ऑब्वियस, तो उसको रहना है तो फिर उसको उसको क्राई बेबी की जरूरत है, क्राई बेबी की जरूरत है. ये तो पागल है, ये इसका दिमाग चलता है नहीं, ये बस लड़ाइयाँ करता है, ये फटने के लिए ही पैदा हुआ है. सो एंड यहाँ पे फ्लॉप आके चिरकुट को समझा रही है, बहुत अच्छे से समझा रही है. यहाँ पे फिर क्राई बेबी भी चीखे मारता है, फ्लॉप फ्लॉप को बोलता है कि हिमांशी रुको मत जाओ, आई नो हु एंड वेन टू हेल्प, ऐसे बोलता है वो. लेकिन वो फिर भी आती है और उसको हेल्प करने के लिए, शी इज लाइक क्राई बेबी की बातें मेरे से मत करो, मैं आई हूँ ना आपकी मदद करने के लिए. तो वो अच्छे से उसको समझाती है. एंड मुझे यहाँ पे एक चीज बहुत खराब लगी, मतलब सिद्धार्थ था वॉज लिम्पिंग वेन ही वॉज वॉकिंग, मतलब वो लंगड़ के वो बहुत पेन में था. आई फील लाइक ही वॉज जस्ट वॉकिंग अराउंड कि घर ठीक चल रहा है या नहीं, बट वो बहुत पेन में था उस दिन. पता नहीं, शायद उसको रात में ठीक से नींद नहीं लगी थी या लाइक बुखार चढ़ा हुआ था, बट ही लुक्ड लाइक ही वॉज इन अ लॉट ऑफ पेन. फिर No, वो it सोया was an हुआ. onset for his thyroid, typhoid issues. Because देखो, ये पूरे कैप्टेंसी में उसके हाथ में काफी बैंडेजेस है, हाँ तो वो उसका स्टार्ट ऑनसेट पॉइंट था, तो उसके वजह से ही वॉज लाइक नॉट फीलिंग वेल, वो एकदम, हाँ प्लस ऑल शुगर द हो. टेंशन अराउंड. या द स्ट्रेस ऑब्वियसली, ये पूरा घर, दिस इज वेयर ह्यूमैनिटी नहीं थी ये वाले सीजन में. ये सारे कंटेस्टेंट्स गेम में थे, ये बंदा बीमार है. यहाँ झमुरी भी अपना चला रही है खुद को, दोस्त 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 दोस्त, साला दोस्त सुन सुन के कान पक गए थे. इसको, ये बंदे को टाइफाइड हुआ है, पता था घर में. और ये लाइक स्नेहा सेड वो आई थिंक सलाइन के लिए, आईवी वाईवी के लिए जा रहा था या पता नहीं क्या, बट ही वॉज इन पेन एंड दीज पीपल वर जस्ट मेकिंग मुद्दा. ये है हमारी मोमो मैडम, कांटा, फ्लॉप, क्राई बेबी, चिरकु, सब अपना अपना चला रहे थे. ह्यूमैनिटी गई भाड़ में, इंसानियत गई भाड़ में. यहाँ पे बाहर आके मेंटल हेल्थ का देखो, झाड़ों को पानी डालो और ये करो, मैं बहुत वो हूँ, मैं बहुत ये हूँ, साला दिखा दिया तुम लोगों ने अंदर ही तुम क्या हो. ये इंसान जानवर भी अच्छे होते हैं यार, जानवर भी एक एक दूसरे का ख्याल रखते हैं जंगल में. ये इंसान ऐसे बोलते हैं ना, ये इंसान कहलाने के लायक नहीं है, जानवर है. मुझे जानवर भी, जानवरों में भी बहुत एम्पैथी होती है. ये कुछ और ही बहुत क्रीच बहुत ये कुछ और ही क्रीचर्स हैं. आई डोंट नो व्हाट व्हाट दीज पीपल आर मेड ऑफ. आई डोंट नो ये लोग अपने फैमिलीज के साथ कैसे रहते, पता नहीं इनका कैसे, बट अमेजिंग अमेजिंग लगा मेरे को ये सब देखकर कि किस तरह से चैनल को क्या है, चैनल वाज देयर टू मेक मनी. चैनल में भी इंसानियत नहीं थी, चैनल में भी बस उनको ड्रामे करने थे. सिद्धार्थ और शहनाज के ऊपर बार बार ठोको प्रोमो ठोको, बिकॉज ऑडियंस आती है सिद्धार्थ और शहनाज के लिए. और ये चल रहा है, ये गंदगी. फिर अभी अभी चैनल बोलेगा ये लोग कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ बिल्कुल. दिखा रहे हैं क्या हो रहा है, हम लोग तो कुछ नहीं कर रहे हैं. तो उनका वो था बेसिकली टू जस्ट एब्सोल्युटली टेक नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो अकाउंटेबिलिटी फॉर एनीथिंग. हाँ, एंड जस्ट टू से कि ये सब तो यही है, हम लोग तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने तो कुछ किया ही नहीं. सो दे थिंक ऐसे सब लोग सब कुछ तो ये कंटेस्टेंट्स ही दिखा रहे हैं अपना ऐसे. सो बट ये सीजन, ये वाले वीक में दिखाई देता है कि कैसे ह्यूमैनिटी, इंसानियत बाजू में रख के ये लोगों ने एक बंदे को टॉर्चर किया व्हेन ही वाज एट हिज फिजिकली मेंटली लोएस्ट. और मतलब दिस पीपल कॉल देमसेल्व्स फ्रेंड्स, बाहर आके सिंपथियां लेना और अपने आप को फ्रेंड बुलाना, शेम ऑन यू पीपल, शेम ऑन यू.
रियली. एनीवे ओके, कैप्टन रूम में यहाँ पे सिद्धार्थ शहनाज और रावण बात कर रहे हैं. शहनाज बोल रही है किसी को ड्यूटी नहीं करनी है, सिर्फ राशनिंग की बात कर रहे हैं. बाहर जाकर सिर्फ कैप मतलब यू नो, सिद्धार्थ बोल रहा है कि हाँ अभी मोमो और मासी तो जल रहे हैं ये सब देखकर, ऑब्वियसली बिकॉज चोरी की है, उनको कुछ मुद्दा बनाना है अभी. दे वांट टू गेट बैक कि उनको लग्जरी, उनको था मोमो और मासी को कि ये लग्जरी बजट दे दे, ये वो मुद्दा बनाएंगे. मुद्दा हो नहीं रहा है तो ही एक्नोलेजेस दैट. अभी यहाँ पे स्मोकिंग रूम के बाहर एक मस्त पंचायत लगती है. मोमो, क्राई बेबी, काटा और फ्लॉप, ये ऐसा था ना जैसे सांपों का कन्वेंशन हो रहा है इधर. सारे सांप इकट्ठे हो गए थे और डस रहे थे चिरकुट को. मुझे यहाँ पे प्यादा का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन लगा. ये जो प्यादा टैग था ना जो सिद्धार्थ ने दिया था वो करेक्ट दिया था. ये सच्ची में प्यादा ही था, इनके हाथ में बलि का बकरा ही था. ये चारों बैठ के उसको वो कर रहे थे, कन्विंस कर रहे थे, कन्विंस नहीं मैनिपुलेट कर रहे थे. ठीक है. और ये कौन बोलता है, क्राई बेबी बोलता है, पहले तो मोमो चालू करते हैं, आई शपथ भाव ये क्रिएट करता है. नहीं दादा, ये पूरा ना बीच बीच में साला मराठी बात करती है उसको अपने साइड करने के लिए मोमो. ठीक है, वो हाँ चिरकुट के साथ मराठी बात करती है बहुत ही स्ट्रेटेजिकली, जहां पे उसको उस चीज की जरूरत हो तब. ओके, आई शपथ मींस मदर प्रॉमिस कि मम्मी की कसम. और ये सब फिर वो पंचायत लगा के बैठते हैं और रावण और शहनाज अंदर से बोल रहे, देख देख अभी ये लोग उसके पीछे पड़े हैं सब लोग बैठ के. तो इधर शहनाज बाहर आती है बिकॉज रावण उसको बोलता है जा जा उससे जाके बात कर, तो उनको बोल कि क्या हो रहा है, चिरकुट को बोल अभी ये लोग क्या कर रहे हैं. तो शहनाज उनको बोलती है अब पटाओ मत, ये रैप कर रहा है, रैप कर रहा है, ऐसे बोलती है शहनाज. शी सो क्यूट. वो एक मस्तीखोर बच्चे नहीं होते क्लास के अंदर, जो ऐसा खिड़कियों से अगर बाहर भी निकाल दिया तो हाँ खिड़की से खड़े रह के मस्ती करते, वो वैसा लग रही थी उधर। हाँ हाँ बहुत. या शी वॉज हैविंग अ गुड टाइम. और यहाँ पर शहनाज भी बोलती है बाऊ प्यादा मत बनो. एंड लिटरली वो वैसे ही था. तो यहाँ पे अंदर यू नो झमुरी, सना तो कितनी कमीनी है, मतलब साला तुम कमीना कमीना तो बोलो ही मत, तुम्हारे मुंह से कमीना मतलब तुमने नई डेफिनेशन बना दी है कमीनेपन की. सो इट्स नॉट इवन फनी एनी मोर व्हेन झमुरी इज ट्राइंग टू बी फनी. तो फिर यहाँ पे फ्लॉप क्राई बेबी को रोकती है बिकॉज क्राई बेबी चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा है चिरकुट के साथ. बिकॉज क्राई बेबी ने ऑलरेडी रायता फैला दिया था चिरकुट के साथ कि मैं किसी की मदद नहीं करूंगा ये वो. अभी वो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए उसको चिल्ला रहा है कि ये लोग ऐसे ही करते हैं ऐसे ही करते हैं. तो यहाँ पे फ्लॉप उसको बोलती है स्टॉप आसिम, ऐसे बोलती है उसको. तो मोमो और काटा भी पूरा मैनिपुलेट करते हैं और फ्लॉप बोलती है क्वाइट ना आसिम, ऐसे बोलती है. और मोमो पीछे से, जब फ्लॉप इसके साथ बात कर रही है, मोमो पीछे से क्राई बेबी को बोलती है यू कैन नॉट टॉक लाउडली, यू शुड एक्सप्लेन कामली, ऐसे बोलती है और हंसते हुए बोलती है. मतलब शी इज गॉट अ वेरी कनाइविंग लुक टू हर. वो बोल रही है कि ऐसे नहीं बच्चा, इसको मैनिपुलेट करने के लिए अलग अलग पैंतरे यूज करने हैं. तो ये बंदी यही करती है, बस इसका गेम ही है ये, मैनिपुलेट करो मैनिपुलेट करो, सबको अपने साइड करो और एंड में क्या करना है, सिद्धार्थ को पोक करो, बस उसकी गेम ही सिद्धार्थ है. साला वो आई थी उसके, वो पैदा ही उसके लिए आई थिंक. उसको मतलब और कुछ, शी इज नथिंग, शी इज नथिंग, शी इज एनीवे ओके. तो यहाँ पे सीन कट होता है बेसिकली. और वो जो अखाड़े का रूम है ना, वहां पे एक काउच लगाया जाता है और वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है इधर.
शेफाली बग्गा और रामलाल और मधुरिमा तुल्ली। ओके, यहाँ पे बिग बॉस उनको समझाते हैं और बोलते हैं कि आपको अंदर, ये टास्क है, नज़रअंदाज का टास्क है, आपको अंदर जाकर रिएक्शंस लेने हैं। वो लोग आपको इग्नोर करेंगे, लेकिन आप अगर उनसे रिएक्शन ले पाओगे तो आप टास्क जीतोगे, ऐसे कुछ ऊपर ऊपर से बोलते हैं। बट बेसिकली वाइल्ड कार्ड नो, कि वो लोग घर के अंदर आ रहे हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे घर के अंदर ये टास्क की अनाउंसमेंट होती है। काटा रीड करती है पूरे रूल्स कि वक्त वक्त पे लोग आएंगे और आपको उनको नजरअंदाज करना है, ऐसे, ठीक है। और वो बेसिकली ये उन वाइल्ड कार्ड लोगों को बोला जाता है कि अगर आप रिएक्शंस लोगे, जितने ज्यादा रिएक्शंस, सबसे ज्यादा रिएक्शन वाले को, करता है हाँ, वो। उस वजह से आज शहनाज के साथ बैठ के गेम डिस्कस कर रही थी। गेम सी डिस्कस कर, स्टार्टेड विद द इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ द हाउस, कि हाँ, तुझे क्या पसंद है क्या नहीं, एंड स्लोली स्लोली शी वाज ट्राइंग टू गेट इन टू दैट कॉन्वर्सेशन वेयर सना, उसको लगता था कि सना जैसे सिद्धार्थ को सब कुछ समझा देती है, मुझे भी समझा देगी। हाँ, या, इसके लिए वो उधर बैठ के बट वो गेम का डिस्क, पहले या, उसने बहुत टैक्टफुली इससे स्टार्ट किया, इंटीरियर डेकोरेटर डेकोरेशन ऑफ द हाउस। एनीवे, गोइंग बैक टू द हाँ कैप्टन रूम, वो अनसीट्स वहां पे बहुत थे और वो उसके दिमाग में घुस रही थी, शहनाज के दिमाग में घुस रही थी, और शी वाज ट्राइंग टू गेट सम गेम आउट ऑफ इट। ओके, और घटिया नजर है इस बंदी की, बहुत घटिया नजर है। मतलब इवन इफ आई वर अ गर्ल, आई वुड फील वायोलेटेड टू बी अराउंड हर, ऐसी है वो। वाह, एनीवे, ओके, तो स्मोकिंग रूम, हाँ, तो ये पूरा हो रहा है, वाइल्ड कार्ड एंट्री फलाना फलाना। ओके, सो अभी हमारे रामलाल जी एंट्री 2.0, और किचन में अब्दुल्ला, सॉरी सॉरी सॉरी, झमूरी और मोमो, काटा, शहनाज, सब लोग किचन में हैं। और नहीं, इट इज इन दिस ब्लैक ड्रेस यार, शोना, आई विल शो यू। ब्लैक ड्रेस में बहुत अनसीन्स है, वो जब पर्पल ड्रेस में होती है ना, यहाँ पे बहुत अनसीन्स है। कैप्टन रूम हाँ, में है, सब कैप्टन रूम में ही है। कैप्टन रूम में है, या, आई विल सेंड यू अ फ्यू। ओके, ऑलराइट, एंड और यहाँ पे जैसे झमुरी उसको हक करती है ना मोमो को, मुझे वो भी गंदा लगा, बट एनीवे, मैं सच्ची बोलू, आई आई कैन, मेरा मतलब मुझे बहुत ये होता है, अनइजीनेस होता है इफ समबडी ट्राइज टू हग मी, या मैं साइड हग सबको दे सकती हूँ, लेकिन ऐसे कंप्लीट हग मैं सिर्फ मेरे बच्चे लोगों को देती हूँ, बाकी मुझे पसंद नहीं। हाँ, नहीं, मुझे हक देना अच्छा लगता है, मैं अच्छा हक देती हूँ, बट नॉट टू एनीबडी। अच्छा, ये लोग फ्रेंड हैं, बट पता नहीं इसके, पता नहीं। ओके, तो यहाँ पे रामलाल बहुत कोशिश कर रहा है मोमो से रिएक्शन देने की, और रामलाल वो रिंग निकालता है कि शायद ये रिंग निकाल के देखे कि ये शायद पट जाए, बिकॉज रिंग के अलावा उसको पता है व्हाट मोमो लाइक्स। तो फिर एनीवे, मैं ये स्किप कर रही हूँ। और यहाँ पे सिद्धार्थ वो मैं एक चीज टास्क, ऐड करूंगी यहाँ पे जस्ट फॉर कॉमेडी से, यहाँ पर जब वो रामलाल मोमो से बात करता है एंड ऑल, इफ यू सी केयरफुली देयर वर टू पीपल मेकिंग द फूड, मोमो एंड काटा लगा, बट वहां पे जमुरी भी आती है बिकॉज उसको पता है कि ये सीन अभी टेलीकास्ट हो रहा है, हाँ, एंड सेकंड चीज फ्लॉप की स्टार भी वहां ही खड़े रह के खाना खा रही है, देखो ये सीन पे वो कैमरा मैन बोलेगा यार इतने बड़े तुम लोग सब लोग एक फ्रेम में नहीं आ सकते। हाँ नहीं तो वो खुद को एकदम पॉलिश क्वीन ऑफ इंग्लैंड समझती है, तो वहां किचन टेबल पे खड़े रह के खाने का क्या मतलब था उधर वो सीन में। हाँ तो हाँ हाँ कैमरा पे दिखने का जो होता है ना ग्रीड, वो दिख रही थी यहाँ पे हाँ हाँ दोनों हाँ की। ओके, तो यहाँ पे रामलाल बाहर जाता है। ये पूरे टाइम पे सिद्धार्थ लिविंग एरिया के काउच में बैठ के
वो रूल बुक पढ़ रहा है, ठीक है, और इग्नोर कर रहा है, और रामलाल फिर बाहर जाता है, फिर मोमो और झमुरी भी बाहर जाते हैं, और मतलब ऐसे यहाँ पे ऐसे लग रहा था झमुरी को ये बहुत बहुत नेचुरली आता है टू बी द थर्ड व्हील। वो दोनों के पीछे ऐसे गई जैसे मतलब वो हमेशा यही करती है, और शी इज टॉकिंग टू मोमो, हैविंग अ कॉन्वर्जेशन। उसको स्टेपनी बनना आई थिंक अच्छा लगता है एक कपल में, ऐसे लग रहा था बहुत ही नेचुरली कर रहे थे। फिर वो अब्दुल्ला और सॉरी जमुरी और मोमो हक कर रहे थे एक दूसरों को, बहुत टाइम मतलब बहुत ही गंदा, इट वॉज अ क्रिंजीएस्ट हक दैट आई हैव सीन। तो फिर वो चला जाता है, रामलाल चला जाता है, आई एम सो हैप्पी बेबी, मुबारक हो मेरी जान, ये सब चलता है। ओके हमारे झमुरी का, बिकॉज झमुरी का भी चल रहा है साला, ना ये भाव दे रही है ना वो भाव दे रहा है, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। फिर ओके सीन कट होता है किचन के पास, रावण चाय बना रहा है, वहां पर भी मुद्दा बन रहा है चाय के ऊपर, और अभी वो अभी हमारी यू नो झमुरी मैडम रावण और मसला के साथ अच्छे से बात कर रही है, और मतलब शी सपोर्टिंग देम अगेंस्ट क्राई बेबी, बिकॉज सिद्धार्थ उधर है और अभी सिद्धार्थ की गुड बुक्स में रहना है भाई, ये वो, तो लूजर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। ओके शी इज अ लूजर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। ओके ऐसे यहाँ पे क्राई बेबी चुपके बकवास, मैं तो इसको फुटेज ही नहीं दूंगी इसमें। वो दूध का मुद्दा बना रहा है फिर से, दूध का पैकेट, दूध का पैकेट, दूध का पैकेट। एनीवे तो यहाँ पे मधुरिमा तुल्ली अंदर आती है तो सारे लोग मतलब मासी काटा We have to name मोमो, her also. हाँ वी हैव टू नेम दिस She is पीपल, very active on all these things. हाँ बग्गा, ये दोनों को नेम करना पड़ेगा गाइस। Please रावण, suggest करो ना. हाँ तो सारे लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, तो ये देखो यहाँ पर सब लोग खाना खा रहे हैं, मासी काटा मोमो रावण मसला शहना सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खा रहे थे। द पॉइंट आई विल मेक हियर इज, तुम लोग सारा दिन राशन राशन राशन, सबको दो दो रोटियां ढंग से मिल रही है, सबको खाना मिल रहा है, राशन था, ये लोग राशन का बकवास का मुद्दा बना रहे थे, दे हैड नो मुद्दा, दैट इज व्हाई सिद्धार्थ वाज नॉट गिविंग इन एट ऑल, बिकॉज ही नोज कि काफी है सामान, काफी है, एंड सो देयर वाज नो नीड फॉर दैट एट ऑल। फिर शहनाज जब ये आती है ना अंदर एमटी, सॉरी मधुरिमा तुल्ली, उसके इनिशियल्स यूज करते हैं एमटी, जब वो आती है अंदर शहनाज को पता नहीं होता कौन है ये, तो यहाँ पर Somebody saying रात की रानी. No. फॉर बग्गा, ओके ओके नहीं 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 ओ और तुली नहीं नहीं दे सिंग फॉर बग्गा, बिकॉज नहीं, वो रात बग्गा भर ने के उसको शो, नाम दिया था रात की रानी. शो में ही बोला है बग्गा ने उसको कि आई विल सेव योर नेम एज रात की रानी. ओके 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 ठीक हाँ, तो इसके लिए सब लोग सजेस्ट कर रहे हैं रात की रानी. बट मुझे है, बहुत थोड़ा अजीब लग रहा है, वो राम नहीं चाहिए. हाँ लेट्स सी, कुछ तो ढूंढते हैं उसका नाम. हाँ ठीक है ठीक है। ओके फ्राइंग पैन नहीं यार स्लीपिंग ब्यूटी. नहीं, देखो देखो और सोचो, ठीक है हाँ रिपोर्टर रख सकते हैं इसका। एनीवे ओके मूविंग ऑन, तो यहाँ पे रावण उसको बोलता है शहनाज को ये कौन है करके, और शहनाज फिर सडनली मासी की तरफ देखना चालू कर दिया। ओके तो यहाँ पे ये एमटी इज ट्राइंग टू गेट लॉट ऑफ अटेंशन, वो सामान उठाने उठाती है, फिर वो क्राई बेबी का सामान उठाती है, फिर वो शहनाज को हाय शहनाज ऐसे बोलती है, फिर वो मसला सट को शहनाज बोलती है और शहनाज को मसला बुलाती है जस्ट टू गेट द हाँ अटेंशन ओवर देयर. हाँ तो फिर वो लाइक शहनाज बेसिकली फ्लॉप को लेकर वॉशरूम में चली जाती है, ओ आपकी दोस्ती हो गई, आपकी दोस्ती हो गई, वो बाथरूम में जाती है और लॉक कर देती है, शहनाज फ्लॉप को लेकर जाती है। फिर
एमटी बोलती है नोबडी इज रिएक्टिंग बिग बॉस, तो फिर सैंडल चुराती है वहां से, और फिर मासी यहाँ पे रावण और मसला को हक कर रहा है, सिद्धार्थ चेयर पे बैठ के सब देख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक अमेजिंग सीन है, आप लोग प्लीज जाके देखना, ये मासी इनको हक कर रहा है फलाना, और यहाँ पे आई थिंक जमुरी को कुछ प्लेट खाना मिल गया, पता नहीं क्या मिल गया, वो टेबल के इस तरफ चिरकुट खाना खा रहा है, जहाँ से लाइक वॉश एंट्री के साइड का जो डाइनिंग टेबल है, मतलब जो डाइनिंग टेबल है और हॉलवे जो होता है एंट्रेंस से वॉशरूम जाता है, उस तरफ चिरकुट बैठा है और फ्लॉप है, और इस तरफ जहाँ पे काउचेस होते हैं ना, लाइक डाइनिंग टेबल के इस तरफ जो काउचेस होते हैं उस तरफ लाइक काटा बैठी है आई थिंक, और जमुरी आती है, जमुरी कुछ प्लेट लेके खाने के लिए बैठती है, पीछे चेयर नहीं होती, वो पता नीचे गिर जाती है। सॉरी आई नो आई एम लाफिंग लाइक अ किड, बट मुझे वो बहुत माइंड ब्लोइंग लगा कि हाँ, मतलब मुझे वो नहीं पता खाना, है वो सीन। खाने की प्लेट उसको छोड़नी नहीं थी, और चिरकुट की हंसी छूटती है एंड ही इज ट्राइंग टू कंट्रोल, और वो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हंसना चालू करता है, और इट इज द मोस्ट फनीएस्ट फनीएस्ट थिंग, और फिर उसको कोई तो शी लिटरली प्लॉप्स, एंड यहाँ पे मसला और रावण उसको उठाते हैं, इट इज ए एलओएल मोमेंट, मतलब अच्छा, बहुत मस्त था वो, और मुझे वो देखना हंसी, पड़ेगा प्लीज फिर से। हाँ गो सी इट, ओ माय गॉड, अगर आप लोग चाहो तो मैं बाद में दिखाऊंगी जस्ट फॉर किक्स, इट्स रियली रियली फन। ओके, हाँ चिरकुट का रिएक्शन बहुत अमेजिंग था। ठीक है, तो फिर एमटी गोज टू शहनाज अगेन, फिर शहनाज मासी मासी बुलाती है, और वो एक हक देती है मासी को, और टाइट, और मासी भी मौके पे चौका हक करता है, और हमारे शुक्ला जी की नजर है भाई, शुक्ला जी देख रहे हैं। मासी पे ध्यान तो था ही, सो या एक सेकेंड, ओके, तो वो सिद्धार्थ से भी बात करने की कोशिश करती है, फिर बेल बजती है तो शी हैज टू लीव, ठीक है, तो विदाउट एनी रिएक्शन वो, फिर मासी भी उसके साथ फॉलो करता है और उसके लिए डोर खोलता है और वो बाहर चली जाती है, तो बाहर मोमो और क्राई और रावण और मसला सब लोग बाहर आते हैं उसके साथ, ठीक है। फिर शहनाज मासी को बोल, वीवो, ये वीवो वाला कॉर्नर पे शहनाज बोलती है तुझे प्यार है उससे, तेरे को प्यार आ रहा था उसको देखकर, तो नहीं नॉट नॉट एट द वीवो, ये ऐसी बातें कर नहीं, रहे हैं ऐसे ही बातें कर रहे हैं। हाँ, वीवो खड़े काउच पे रहके, तो लास्ट में। हाँ तो वो ब्लश करता है, फिर वो भी तेरे से प्यार करती है ऐसे। यहाँ पे स्मोकिंग रूम के बाहर मोमो और झमुरी और मासी एमटी के बारे में बात कर रहे हैं, और मोमो बोलती है दैट वाज अ नाइस जेस्चर, यू ओपन द डोर फॉर हर, तो एमटी अंदर रामलाल और बग्गा को बोल रही है, वो डोर ओपनिंग वाज ड्रामा, मैं इसकी असलियत अच्छे से जानती हूँ, वो सब ड्रामा है, ठीक है। तो यहाँ पे झमुरी आती है, कांटा और मोमो सब लोग मासी के आजू बाजू है वो, ऑन दैट बेंच आउटसाइड द स्मोकिंग रूम, ठीक है, तो तू प्यार करता है उससे ऐसे, और झमुरी लिटरली चढ़ जाती है मासी पे, ये देखना मतलब ये इसको पता नहीं ये ड्रेस में क्या हो रहा था, बहुत पता नहीं, वो लिटरली चढ़ जाती है मासी के ऊपर, पता नहीं सडनली प्यार कहाँ से आ रहा था, तुम 2 दिन पहले उनको उसको गालियां दे रहे थे कि ये नारायण नारायण करता है, यही है बहुत, ये विशाल ये है वो है वो है, अभी सडनली चेंज हो जाता है, बिकॉज वो इंडिपेंडेंट है ना, उसका हर किसी के साथ है सर मेरा, हर किसी के साथ, ठीक है। तो फिर बेल बजती है, बग्गा आती है, वो शहनाज के पास जाती, और शहनाज एक अनसीन है इसके बीच में, सवेरे मतलब द मॉर्निंग ऑफ दैट डे, वहां पर वो बोलती है मुझे फील आ रही है कि
बग्गा आएगी या बग्गा की याद आ रही है और समथिंग रिलेटेड टू बग्गा, और उस दिन शाम में आ जाती है हमारी बग्गा, और यहाँ पे वो पूल के पास खड़ी है और शहनाज इज फीलिंग वेरी इमोशनल कि वो सोच रही थी उसके बारे में और वो आ गई, और मोमो उसको शी पुल्स हर और वो अंदर लेकर जाती है उसको, और सिद्धार्थ भी किचन में है और ये सब देख रहा है एंड ही सीज शहनाज वाइपिंग हर टीयर्स. हाँ, झमुरी वोर शहनाज इज ड्रेस, या और फिर मासी फिर से शहनाज को हक करता है और सारे वो किचन के सामने जो सोफे है ना वहां पे बैठे हुए हैं, और सिद्धार्थ इज फेसिंग द किचन एंड शहनाज उसके पीछे वाले काउच पे बैठी है. वहां पे आती है हमारी रिपोर्टर साहिबा और वो शी इज ट्राइंग टू गेट अ रिएक्शन फ्रॉम शहनाज. फिर सिद्धार्थ को पता चल रहा है क्या हो रहा है, ही नोज कि शहनाज इमोशनल हो रही है. फिर वो वहां पे फाइनली शहनाज उसको हक करती है, आई लव यू दोनों एक दूसरे को बोलते हैं. फिर रिपोर्टर मैडम झमुरी के पास जाती है और मुझे लगा ये वाला एक नैरेटिव था जो, और ये चैनल की करामा थी, अभी एक्सटेंशन मिला है तो हमारी कंफ्यूज्ड, मैं कंफ्यूज्ड नहीं थी, मैं अंडर कॉन्फिडेंट थी, मुझे कॉन्फिडेंस की कमी थी. मैडम को थोड़ा पंप करने के लिए मुझे लगा चैनल ने इसको भेजा कबूतर बना के बोलने के लिए कि तुम स्ट्रांग हो, तुम एक जेन्युइन फ्रेंड हो. पागल है क्या हम लोग जो देख रहे हैं कि ये जेन्युइन फ्रेंड है, साला इसको फ्रेंड बोलो मतलब गाली के समान है. एनीवे जेन्युइन फ्रेंड है, वीक मत पड़, किसी के लिए मत रो, और यहाँ पे हमारी 5 पैसे की एक्टिंग चालू और ये झमुरी मैडम रोना चालू करती है, बहुत इमोशनल हो जाती है. फिर रिपोर्टर जाती है रावण के पास और वो थोड़ा उनका लाइक दिल्ली वाइब, यू नो तेरी मम्मी ने ये कहा है, तेरी मम्मी ने वो कहा है, मम्मी 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 10 बार बोलती है और रावण रिएक्ट कर जाता है, उसको हक करता है. सब हो गया. ओके, बेल बेल बजती है और वो निकल जाती है और यहाँ पर झमुरी और रावण भी एक दूसरे को हक करते हैं. अभी सडनली उसको रावण ठीक लगने लगा. 24 घंटे पहले तो रावण वाज हर एंटी. ओके, फिर यहाँ अंदर आते आती है रिपोर्टर और उसको सबसे ज्यादा रिएक्शन मिलता है. ठीक है, और सिद्धार्थ स्मोकिंग रूम में जाता है और शहनाज बाहर बेंच पे बैठती है और मोमो और काटा वहां पे आ जाते हैं. मुझे लगता है तब से ही इनका था कि जब भी सिद्धार्थ स्मोकिंग रूम में हो, शहनाज उसके आजू बाजू रहती थी. आई फेल्ट लाइक दैट. वो अंदर चला जाता है और ये बाहर बैठी हुई होती है बेंच पे, और उनको देखना भी था लोग क्या बात कर रहे हैं, बट जनरली शी वॉज विद सिद्धार्थ ओनली. तो राधिका जब वो बाहर एक्सरसाइज भी करता है, इफ यू नोटिस पूरे जितने भी सीन्स हैं वो हमेशा गार्डन एरिया में रहती है जब वो गार्डन एक्सरसाइज एरिया में करता है। रहते, हाँ, वो हमेशा एक दूसरे के या इसके साथ ही रहती है वो. ठीक है, तो यहाँ पे किचन किचन एरिया में रावण और फ्लॉफ रिपोर्टर के बारे में बात कर रहे हैं और शहनाज अंदर आती है तो मासी इज नाउ मासी इज टेलिंग काटा एंड क्राई बेबी कि इन अ वेरी, मतलब अगर ये दो लड़कियां आ जाए तो मजा ही आ जाए, ऐसे बोलता है. मतलब उसको कनेक्शन बनाना है अभी. तो यहाँ पे सिद्धा यहाँ पे ये ऑब्वियसली सिद्धार्थ मोमेंट है. यहाँ पे सिद्धार्थ और शहनाज वो काउच पे बैठे हैं इन दैट पर्पल ड्रेस और इन दैट एंड सिद्धार्थ इज इन दैट ब्लू शर्ट. और वो वो उसके शोल्डर पे सिर रख के सोई है वो सीन। वो वाला सीन. आई विल टेल सो यू वन थिंग, अगर शहनाज का जो ड्रेस उसने ये सीन में पहना है, इट वाज सच अ सिंपल ड्रेस, एंड वो उसका ही ड्रेस है बिकॉज द वे, और पंजाब का ड्रेस है बिकॉज द वे जो पटियाला जैसा होता है ना, वो जो बॉटम ड्रेस का वो वहां पे ही बनता है पंजाब साइड में ही,
मतलब इतना पटियाला स्टाइल जो है एकदम यूनिक पटियाला है वहां का, तो यू कितनी ब्यूटीफुल लग रही थी, एक सिंपल Oh, कलर. it was looking stunning. That dress was stunning. That dress या was, I मतलब mean, आई डोंट नो, मतलब मुझे अगर खरीदना पड़े तो आई विल नेवर चूज दैट कलर, वैसा हो गया था. एंड उसको देख के मुझे लगा यार इस पे तो ये कलर भी इतना अच्छा लग हाँ, मस्त था वो. She carries it रहा so well, और उसके बाल, उसका मेक, मतलब she was looking stunning. इसीलिए शुक्ला जी को कोई, मतलब शुक्ला जी go went gone इसलिए हो गए थे. नो उसके तो डैड ने एक इंटरव्यू में बोला था ना कि हमने उसको बहुत सारे पंजाबी सूट्स भेजे हैं करके, तो आई थिंक ये वीक में शी हैज यूज दैट कलेक्शन पूरा पंजाबी ड्रेसेस का. या शी इज अ एब्सोल्यूट स्टनर, एब्सोल्यूट स्टनर. तो ओके, सो लेट्स कीप गोइंग. तो ये सिन्हाज मोमेंट है. रुचि जी प्लीज ऐड कीजिए आपके खाते में. और वो बहुत एक, वो किस तरह, जिस तरह से वो लॉक करती है उसका हाथ, दोनों शहनाज के दोनों हाथ आर लॉक्ड इन सिद्धार्थ आर्म. ये ऐसे होता है ना, जैसे आपको एक एक सिक्योरिटी फीलिंग, एक सिक्योर्ड फीलिंग. वो पॉज हो गया. ओके, अमन बोलो. अब ठीक है. ओके ओके. तो यहाँ पर वो जैसे, नहीं गाइस, इट शुड वर्क नाउ. देखना, अभी आवाज आ रही है तो बता देना. नहीं आवाज आई नहीं आ रही है, मतलब आपकी आवाज आ रही है, बाकी कोई बैकग्राउंड आवाज नहीं आ रही. नहीं, मैं लोगों से पूछ रही हूँ. दे आर सेइंग पॉज्ड है. अब ठीक है बोल रहे. अरे तो बीच में 2 सेकंड के लिए बफर हो रहा था, बट नाउ इट्स फाइन. मेरे को अभी भी नो साउंड, नो वॉइसेस ही मैसेजेस दिखाई दे रहे हैं. अरे बाप रे, मुझे मेरे बोलने मैसेजेस स्टक हो गए. पहले वो मैसेज. ओके, अभी ठीक है. ओके, हाँ ठीक है. नाउ तो फाइन. ये हाँ बेसिकली रिपीट. हाँ ओके, सो रिपीट ये करना है कि सिद्धार्थ और शहनाज वो काउच पे सोए हुए हैं, जो शहनाज पर्पल ड्रेस में है. और हम वो ड्रेस की बात कर रहे थे कि इट्स अ वेरी टिपिकल पंजाबी स्टाइल, पंजाब से आया था उसका कलेक्शन. और किसी ने यहाँ लिखा है कि माही डिजाइन करती थी. नो, माही डिजाइन नहीं नहीं करती नहीं ये सब ड्रेस उसके डैड ने भेजे. उसके डैड ने बोला था इंटरव्यू में कि मैंने उसको 2 सूटकेस भर के पंजाबी ड्रेसेस भेजे हैं, एंड आई हैव वोन दिस पटियाला. मेरे डैड मेरे लिए जब इंडिया घूमने आए थे ना, उन्होंने चंडीगढ़ से खरीद के लाए थे. दे आर थी. सो प्रो इन दिस ना, दे विल स्टिच दिस पटियाला विद इन 2 आवर्स एंड गिव इट टू यू. हाँ, तो आई नो दिस ड्रेस, माई डैड हैज गिफ्टेड मी वन लाइक दिस. ओके ओके. तो या ये माही ने कुछ नहीं किया यहाँ पे, सॉरी. हाँ इट वाज ऑल हर ड्रेसेस. हाँ, और बहुत स्टनिंग लग रही थी. ये 170 हो गया हमारे सिडनाज मोमेंट में. और यहाँ पे बेल बजती है, और उनके बाजू के जो डोर, उनका बाजू का जो डोर है जहाँ पे सिद्धार्थ और शहनाज बैठे हुए हैं, वहां वो खुलता है. और बिग बॉस के लोग पूरे ब्लैक आउटफिट में मास्क वास्क लगा के अंदर आते हैं. और वो सूटकेसेस पे नाम शहनाज पढ़ना चालू करती है. बग्गा, एमटी और रामलाल. ओके, ये सारे आते हैं. तो सिद्धार्थ को पता चलता है. ये अंदर जाती है शहनाज बेडरूम के अंदर. और तो शहनाज बोलती है इसकी मासी निकालेगी. वो एमटी का बैग देखकर बोलती है, ये मतलब विशाल की मासी निकालेगी. तो बट मासी इज वेरी हैप्पी कि मासी को लगा इसके साथ मिलके मैं मेरी गेम और स्ट्रॉन्ग करूंगा हाँ. और आगे बढ़ाऊंगा. एक तो बिकॉज वीकेंड के वार पे ही गॉट ऑल द फुटेज वॉट एवर ही वॉन्ट कि सिद्धार्थ के अगेंस्ट खड़ा रहना है एंड ऑल. बट यहाँ पे जैसे उसने एमटी को देखा, उसको क्लियर हो गया था कि अब तो बस मैं राजा बन ही गया.
एंड दैट कॉन्फिडेंस वॉज देयर ऑन हिज फेस कि या नाउ आई एम गोइंग टू रूल द शो, वैसा. हाँ। और यहाँ पे मोमो शहनाज को हक करती है, बोलती है तू क्यों रोई। शहनाज बोलती है नहीं, मैं उसको देखकर खुश हो गई, रिपोर्टर को देखकर खुश हो गई। कि फिर वो आती है, रिपोर्टर आती है, मुझे पता है ये तो, मेरे को इस बात की ज्यादा खुशी है कि तेरे को दूसरा चांस मिला। मतलब शहनाज जेन्युइनली फॉरगिव्स हर, बोलती है कि चलो कोई ना, हो गया जो हो गया, वो भी अपोलोजाइज करती है। मुझे यहाँ पे गेम लगी यार, मुझे रिपोर्टर जेन्युइन नहीं लगी, उसका अपोलोजी भी। वो रिपोर्टर बाहर से देख कर आई थी हाउ फेमस शी इज, तो हाँ उस वजह उसे से वो उसके, देखो हंड उसको कोई नहीं खड़ा करता है, बिकॉज उसको ना मोमो पसंद है ना उसको सिद्धार्थ पसंद है, एंड रावण के पास वो जा नहीं सकती बिकॉज रावण विल ऑलवेज कीप हिम एज अ सेकेंड प्रायोरिटी आफ्टर, अगर होता तो आफ्टर मसला. सो अब उसको है कि आई हैव टू बी विद अ स्ट्रॉन्ग कार्ड इन द गेम, एंड वो स्ट्रॉन्ग पर्सन कौन है, शहनाज. तो वो दैट्स व्हाई शी बिकेम हर शैडो थ्रू आउट नेक्स्ट 3-4 वीक्स. या बट आई मीन रिपोर्टर वाज पूरा झूठ था वो, मुझे लगा वो पूरा फेक था, कोई प्यार प्यूर नहीं था उसको शहनाज के साथ, बस वो फायदा उठाने आई थी, दैट्स इट, दैट इज इट। और उसके अपना इमेज क्लीन करने आई थी बिकॉज उसको पहले हाँ बहुत गालियां पड़ी होगी बिकॉज हाँ ऑफ हाउ शी बिहेव्ड. हाँ और वो उसने अपनी औकात दिखाई थी, औकात ही बोलूंगी लिटरली, जो उसने चीजें बोली हैं, मैं आई विल नेवर फॉरगेट। उसने शहनाज की पिक्चर के ऊपर अपना पैर रब किया है और मिट्टी डाली है, आई विल नेवर फॉरगेट दैट। ये बंदी जेन्युइन नहीं है, झूठी है एक नंबर की, और शी इज इविल, शी इज नॉट गुड फॉर शहनाज। ये बाहर जाके मेरी फ्रेंड जो कर रही थी वो बाद में कट हो गया किसी रीजन से, और वो जो हुआ अच्छा हुआ, शी एब्सोल्युटली यूज शहनाज। किसने यूज नहीं किया यार, किसने सबने यूज, किया है. सब ने यूज किया है शहनाज और सिद्धार्थ का, सब ने, साले सब सब लोगों ने यूज किया है, और बड़े बनते हैं सोशल मीडिया के ऊपर फ्रेंड्स। कमीनो आदमी बीमार है, उसको खाना तक नहीं पूछा तुम लोगों ने, और अपने आप को सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स बोलते हो, बकवास। ठीक है, तो रामलाल आता है, सिद्धार्थ से मिलने आता है, सिद्धार्थ इग्नोर करता है। एमटी आती है, फिर भी वो भी इग्नोर करता है, सिद्धार्थ इग्नोर करता है, बिकॉज बिग बॉस बोलते हैं कि टास्क अभी भी जारी है। और जब रामलाल आता है तो पहले तो मोमो उसके ऊपर कूद पड़ती है, बिकॉज भाई साहब अभी मोमो को पता चल गया है कि रंगू मामा क्या कर रहे हैं। रंगू मेरे मामा लिए ने भेजा है, लंबी हाँ नोज बाइट भेजा, रेस के घोड़ा भेजने बनने के लिए भेजा है. हाँ उसका नोज बाइट भेजा है बेसिकली। और यहाँ पे वो कूद ही मारती है रामलाल के ऊपर, दिखाने के लिए कि ओ वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया। और ये बहुत ही क्रिंज है, मैं स्किप करूंगी। फिर रामलाल मसला को अपनी बहन बुलाता है और मसला को हक करता है। ओके फिर यहाँ पे फिर बिग बॉस अनाउंस करते हैं कि आप तीनों ने रिएक्शंस लिए हैं, आप तीनों सेफ हैं, जो भी तीनों वाइल्ड कार्ड है। और फिर सिद्धार्थ आके रामलाल का हैंडशेक करता है और एमटी से भी इंट्रोडक्शन करवाता है कि हम सिद्धार्थ ये वो। ही इज अ जेंटलमैन, उसने जब तक टास्क था कुछ नहीं हाँ किया, बट सी उसको कोई लेना देना नहीं था वालकर से, फिर भी ही जाके वो कॉर्डियली मिलकर आया कि हेलो हाँ हाय बस. या बिकॉज घर पर आए हैं, मेहमान ही है सब लोग, बिकॉज जीतना तो इसी को है। हाँ तो वीवो कॉर्नर पे मसला, रावण, शहनाज, रिपोर्टर और एमटी सारे बैठे हुए हैं, और रिपोर्टर रावण की रिपोर्ट क्लास लगा रही है. रावण हाँ रावण की क्लास लगाई कि तू बहुत नॉनसेंस बात करता है, तू ये करता है, वो करता है। ठीक है, वो स्किप करते हैं। फिर अंदर एमटी इज जस्ट फॉलोइंग मासी की ये क्या कर रहा है अंदर एंड ऑल दैट। तो ठीक, हाँ एग्जैक्टली शोना, आई एग्री, बिकॉज उसने जो
ये रिपोर्टर ने जो बोला था शहनाज के लिए स्नेक्स एंड लैडर्स में, वो कब सिद्धार्थ कभी नहीं भूला है। सिद्धार्थ कुछ नहीं भूलता है, वो हमने बहुत बार 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 देखा है, वो कुछ नहीं भूलता है। कुछ नहीं, वो इवन यहाँ तक कि मसला को भी उसने ग्रुप में रखने के बाद भी लास्ट तक टोन मारा है, बिकॉज शी हैज मे उसने वैसा किया है। सिद्धार्थ वाज लाइक जेम। तो ठीक है, तो यहाँ पे गार्डन एरिया में, ओह माय गॉड, गार्डन एरिया में ये बेंच के पास, ये बेंच पे बैठे हैं मोमो और मैन, मोमो और रामलाल का तो एक 5 पैसे का रोमांस चल रहा था। मतलब अगर आपके जिंदगी में कुछ नहीं है, लिटरली कुछ नहीं है, और आपको कुछ कुछ करने के लिए नहीं है, तो आप इनका रोमांस देखें। अगर कुछ भी हो, जैसे बाहर जाके आप, आपके विंडो के बाहर गाड़ियों को देखना है, वो भी कर सकते हो लेकिन इनका रोमांस देखना इज लाइक अ पनिशमेंट टू योर आईज। बट ये दोनों एक दूसरे को हक करके बैठे हैं बेंच पे, फिर मतलब और क्या चिरकुट मसला, और कौन है ये, अब हमारी झमुरी, क्राई बेबी, सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और इनका इनका लव सीन चालू होता है। और फिर ये रामलाल गोज ऑन हिज नीज एंड पता नहीं क्या बोलता है, मुझे समझ नहीं आता है। ओ स्नेहा गॉट नॉक्ड आउट, अमन प्लीज स्नेहा को ऐड करो। हाँ ये पता नहीं क्या बोलता है, हाँ आई लव, फिर मोमो बोलती है आई लव यू, प्लीज बी द वे यू आर एंड डोंट एक्सपेक्ट मी टू चेंज, ऐसे कुछ बोलती है। मतलब मैं ऐसे ही रहूंगी, मैं तेरा ऐसे ही फायदा उठाऊंगी, तू मेरा नोज वाइफ है, तू यही करने के लिए आया है। और हमारे रामलाल भाई साहब बड़े होशियार हैं, वो रिंग नहीं देते हैं उसको रिंग दिखाता है लेकिन देता नहीं है उसको पता था कि भाई ये बहुत बड़ा नुकसान है इसको रिंग देना, इसलिए उसने रिंग नहीं दी। बच गया बेचारे का उतना पैसा तो बच गया। हाँ। तो ये पूरा होता है, मतलब सिद्धार्थ और शहनाज वीवो कॉर्नर पे एकदम एक स्वैग में देख रहे हैं कि ये क्या सिस्टम चल रहा है शहनाज के लैंग्वेज में, ये क्या सिस्टम है ऐसे। तो और यहाँ पे सबसे ज्यादा चीखे मार रही है हमारी झमुरी, हमारी झमुरी को पता नहीं इतनी क्यों खुशी हो गई है। ठीक है, तो यहाँ मोमो कुछ नहीं करती है, रामलाल उसको रिंग नहीं देता है, आई लव यू का ड्रामा होता है खत्म। एंड सिद्धार्थ एंड शहनाज वाज लाइक दोनों जन बैठ के ऐसे उन लोग दोनों का एक्सप्रेशन देखने लायक था ये सीन में। इसका उन अमेजिंग, लोग को ऐसा था कि भाई ये ड्रामा अब कब खत्म हो रहा है, इनफ ऑफ योर हाँ नॉनसेंस। या और उनको यहाँ पूरा पर पता था कि दिस जो सिचुएशन क्रिएट की जा रही है इट वाज फेक। सी अगर फर्स्ट टाइम जब रामलाल आता है तो बोलता है शी इज माई गुड फ्रेंड एंड ऑल, दोनों जन एक फ्रेंडशिप निभा रहे थे बराबर फर्स्ट पड़ाव में जब वो आया था ये 2 हफ्तों के लिए। अब जब सेकंड टाइम आ रहा है तो सीधा अंगूठी लेकर आ रहा है। सो मतलब ये कब हुआ, फ्रेंडशिप से लेके प्रपोज करने तक का बीच का पीरियड कहाँ था? तो इसलिए दे वर लाइक दे बैठ के देख रहे थे वे कि भाई कर ले, तेरे को जो नौटंकी करनी है कर ले, आज तेरा दिन है। और यहाँ पे छोटा सीन है स्मोकिंग एरिया के बाहर, मसला और रामलाल का और मसला बोलती है ये रिंग आई नहीं उसको, ये काफी बड़ी लग रही है। बड़ी है। वो बोलता है कि मैंने डिजाइन की है, तो बोलती है ये उसको आएगी रिंग, तो आई फेल्ट लाइक उसने जो भी सामने था वो मुझे, एक तो वो रियल नहीं लगी, और आई फेल्ट लाइक वो बस एक नौटंकी करने आया था और कुछ नहीं। ओके, तो गार्डन बेड पे यहाँ रामलाल और रावण की बातें हो रही है। ठीक है, ये मैं बात करूंगी 2 सेकंड के लिए, बिकॉज वो बोलता है कि तू मोमो से क्यों हटा, तू फ्लिप क्यों कर गया, तो रावण बोलता है ये मेरी मेरी स्क्रिप्टिंग की स्क्रिप्ट है है। मैंने, हाँ, हमने एक दूसरे को नॉमिनेट नहीं किया है, मैं अभी भी उसके साथ हूँ, हम दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं, और वो एक रीजन है, वो रीजन मैं तेरे को बाद में बताऊंगा।
तो रामलाल बोलता है कि तूने क्राई बेबी के साथ ऐसे क्यों बोला, आगे से ये लेवल पे मत जा, फलाना फलाना। सो मुझे ऐसे लगा कि यहाँ पे रावण जो कह रहा था वो सही कह रहा था। ही वाज नॉट लाइंग हियर बिकॉज दे वर ऑल टुगेदर, ये पूरा एक ही गैंग है। बट तब ऐसे ऐसे विजुअल, ऐसे ऑप्टिक्स लग रहे थे कि वो रामलाल को ऐसी बातों में उलझा रहा था, बट वो नहीं उलझा रहा था, वो सही बोल रहा था। यहाँ पे एमटी काटा और मोमो बात कर रहे हैं। बेसिकली कांटा और मोमो को चाहिए था कि अभी ये क्यों आई है, क्या करेगी, इसका क्या है, ये मासी के साथ क्या करेगी, बिकॉज मोमो ने अभी मासी को अपने तरफ किया ना, तो उनको देखना था कि ये क्या करेगी, झोल करेगी क्या। सो उनके रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। और मोमो को ऐसा लगा कि बासी तो मेरे साइड आ गया है, तो अब उसके साथ साथ अगर ये भी आती है तो इट विल बी गुड फॉर मी। सो दैट्स व्हाई मोमो वाज ट्राइंग टू बी वेरी स्वीट विद बोथ मासी एंड एम्प्टी, बिकॉज़ शी हाँ, वांटेड दैट टू पीपल आल्सो ऑन हर साइड। आई हैव वन क्वेश्चन, आई हैव वन, मतलब ये मेरा डाउट है, पता नहीं, मुझे ऐसा लगा यहाँ पे मसला भी, शी वॉज नॉट हैप्पी विद एम्प्टीज एंट्री। वो एम्प्टी इज ब्यूटिफुल, बहुत ब्यूटिफुल है वो भी, तो उसको ऐसा लगता था, वो उससे भी उसको थोड़ा चिढ़ मची हुई थी एम्प्टी से। दो रीजन थे, वन शी वाज वंस शी इज एज आई सेड शी इज वेरी ब्यूटीफुल, एंड सेकंड रीजन ये था कि उसको बिकॉज शी वाज प्लानिंग टू स्विच टू बासी, एम्प्टी के आने के बाद शी थॉट दैट मैं जो ट्राइंगल बनाने की कोशिश कर रही हूँ मासी के साथ वो कहीं वर्क नहीं करेगा, तो दैट्स वाई आई थिंक मुझे लगा कि मसला वॉज पिस्ड ऑफ विद एम्प्टीज एंट्री। वॉट डू यू से? हाँ, मसला वॉज पिस्ड ऑफ। मैं यहाँ पे दिखाऊंगी, एक यूट्यूब पे है वो वीडियो, ये एक प्रोमो दिखाया था तब। मसला फ्लर्ट कर रही थी फुल ऑन मासी के साथ, फुल ऑन, वो यूट्यूब पे है। तो अच्छा, हाँ, बिकॉज दे वर ट्राइंग टू They were trying to keep that alive, मसला एंड रावण। इसीलिए मसला एंड रावण एंड मासी वर फ्रेंड्स। वो ट्रायंगल बनाना है ना दोनों का, दो रावण वाज ट्राइंग टू मेक ट्रायंगल विद सीता एंड सना, सेम सेम टाइम मसला वाज ट्राइंग टू मेक ट्रायंगल विद मासी एंड रावण। पता नहीं दोनों ये एक ही गेम पकड़ के लास्ट तक पहुंच गए। सादिया खान जी, मेरे को आपका वन लाइनर अच्छा लगा, लॉयल्टी का जनाजा। दैट इज सो ट्रू, गुड सही है। वन, गुड वन, आई लव इट। अच्छा है वो। नहीं, रावण वहीं पे बैठा हुआ था, पीछे ही था, सब देख रहे थे, शहनाज भी देख रही थी, सिद्धार्थ भी देख रहा था, रावण भी देख रहा था। और ये बिकॉज रावण, मसला, मासी, ये सब लोग एक ही है यार, दे आर ऑल वन टीम। सो ठीक है, मूविंग ऑन। हम कहाँ बात, क्या बात कर रहे थे? ठीक है, तो ये रावण और सॉरी, आई वी वेट एट दैट पॉइंट जहां मैं मसला रामलाल को बोलती है कि अंगूठी थोड़ी बड़ी तो नहीं, बड़ी है मोमो के साइज के हिसाब से। हाँ, और वो हाँ, और नहीं, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे रावण और मसला स्मोकिंग बेंच, स्मोकिंग रूम के बाहर के बेंच पे बैठे हैं, और वो बोल रहा है मसला को कि रिपोर्टर और रामलाल दोनों ने बोला है क्राई बेबी के बारे में कि ये सब मत बोलो, ऐसे मत बोलो, अच्छा नहीं दिखता है, मतलब पर्सनल जाना वगैरह वगैरह। और मासी उनको ज्वाइन करता है वहां पे, तो रावण मासी को थोड़ा हौसला देता है कि ज्यादा मत सोच इसके बारे में, बिकॉज मासी इज इन टू माइंड्स कि क्या है, क्या चल रहा है, क्या गेम करना है, एंड ऑल दैट। तो यहाँ पर मतलब एम्प्टी के बारे में बात कर रहे हैं, तो रावण बोलता है उसको कि ये सोच, जो हो रहा है वो तेरे लिए हो रहा है, मतलब अभी एक्सटेंशन हुआ है तेरे लिए, कनेक्शन भेजा है, बिग बॉस तेरे को पंप कर रहे हैं, तू इसके बारे में सोच। तो ये रावण सही बोलता है, और
इट्स नॉट लाइक मासी डिडंट नो दिस, बट वो रावण के पास से आना उसको एक थोड़ा कॉन्फिडेंस भी मिल गया, एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस कि ये लोग भी उसको सपोर्ट करेंगे इस चीज में. तो यहाँ पे शहनाज और एमटी बात कर रहे हैं डाइनिंग टेबल पे खाना खाते खाते. देखो सबको खाना मिल रहा है, ठीक है, एक नोट नोट करना, सारा दिन सब लोग खाना खा रहे हैं, प्रॉपर खाना खा रहे हैं, किसी को पंगा नहीं है, बस राशन का मुद्दा बनाने के लिए बना रहे हैं. कि तुम लोगों ने शोज किए हैं, ते को उसको देख के कैसा लग रहा है. तो एमटी बोलती है हाँ हमारा पूरा सॉर्टेड एंड वी हैव मूव्ड ऑन. और क्या क्या वो मूव ऑन, क्या वो मूव ऑन हो गया है. वो कहती है कि हाँ वो बोलता तो था कि ही यूज टू लव मी एंड ऑल, पहले लगता था फिर बाद में नहीं लगा ऐसे. तो बोल देती है कि वी आर नो लॉन्गर इन अ रिलेशनशिप बेसिकली. तो रामलाल यहाँ पे चिरकुट को ज्ञान दे रहे हैं, और काटा और क्राई बेबी भी बेसिकली चिरकुट को पंप कर रहे हैं, ठीक है. ये सारे लोग बैठ के चिरकुट को पंप कर रहे हैं कि उनको भी चिरकुट का वोट चाहिए, एंड दे वांट हिम टू स्टैंड अगेंस्ट सिद्धार्थ. ओके सो यहाँ पे बेडरूम में रावण इनको और लगता था चिरकुट बहुत बड़ा तोप है, बट वो बाहर आके देखे देख के बहुत हंस रहे होंगे कि हमने इसको तोप समझा यहाँ पर। हाँ, यहाँ बेडरूम में रावण अपने बाल बना रहा है और सिद्धार्थ वहां पे होता है. तो यहाँ पे रावण बोलता है कि जहर जहर ऐसे बोलता है. तो सिद्धार्थ पूछता है क्या हो रहा है. तो बोलता है कि अभी चिरकुट को पंप कर रहा है. इज लाइक हाँ इट रियली डजेंट मैटर. तो फिर रावण बोलता है कि अभी तू भी तेरा थोड़ा कंट्रोल कर और इग्नोर कर ये सारी चीजें ऐसे, बिकॉज रावण को आगे बढ़ना है गेम में तो उसको सिद्धार्थ की जरूरत है. ऑलराइट ठीक है. सो फटाफट करते हैं अभी ये, आगे बढ़ते हैं. फिर वीवो कॉर्नर पे यहाँ पे वो है वो अमेजिंग वाला सीन शहनाज और मासी का, कि शहनाज उसको पूछ रही है तू तूने क्यों छोड़ा उसको. तो बोलता है कि क्योंकि मैं बहुत ज्यादा देसी था, उसको देसी अच्छा नहीं लगता है ये वो, एंड शी डिडंट वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप विथ मी. तो शहनाज बोलती है क्यों क्यों तेरे में कोई कमी आ गई थी. तो मासी उसको पिलो उठा के लेके मारता है. बोलता है शी डिडंट लाइक मी, आई वाज टू देसी फॉर हर ऐसे बोलता है. और गंदे लाइक गाली दे के बात करती थी. तो शहनाज बोलती है फिर तू ते को तो ये पहले ही देख लेना चाहिए था. मैं अब्यूसिव रिलेशनशिप में था. बिग बॉस मुझे प्लीज अंदर कन्फेशन रूम में बुलाइए, मुझे आपसे बात करनी है. तो शहनाज बोलती है तू उसको हैंडल नहीं कर सकता बेटा जी, ये ऐसा मेरे साथ भी हुआ था जब फ्लॉप आई थी. तो यहाँ पे बेसिकली लड़का कैसे सिंपैथी कार्ड खेलता है, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन. फिर एमटी और मासी बात करते हैं, और मासी बोलता है कि आई फील चीटेड बाय बिग बॉस, क्यों आप इतना शॉक क्यों हो गए, मैं तो यहाँ खेलने आई हूँ. और एक चीज मैं बोलने बोलने आई थी कि आप जो हिट हुए थे बाहर वो हम दोनों की वजह से हुए थे, और इट वॉज नॉट ओनली योर सक्सेस इट वॉज माई हार्ड वर्क ऑल्सो, ऐसे बोलती है. तो और मैं आपको बता दूं आप ज्यादा कुछ कर नहीं रहे इस शो में, ऐसे बोलती है एमटी उसको. तो और आपने लाइक बिग बॉस के अंदर आने से पहले मीडिया को बोला कि आप एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में थे. तो बोलता है नहीं 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 ऐसे मैंने नहीं बोला. शी इज लाइक चलो ठीक है गेम खेलने आए हैं, एज यू से इफ यू से सो ऐसे, बट आई डू नॉट ट्रस्ट यू. तो वहां पे वो सीधा बोलती है कि आई डू नॉट ट्रस्ट यू, देयर इज नथिंग बिटवीन अस. और यहाँ पे ये थोड़ा स्किप करते हैं यार, ये मोमो और रामलाल की बातें हो रही है बकवास. और आई विल ऐड वन पॉइंट फॉर मोमो एंड रामलाल की बात है। यहाँ पर इफ यू लिसन केयरफुली, रामलाल वॉज वेरी करेक्ट विद रिगार्ड्स टू वॉट मोमो वॉज डूइंग। उसने मोमो की गेम खोल दी वहां पे, कि जब वो अकेली थी शी वॉज गुड विद सिद्धार्थ, तो ही इज टेलिंग मोमो की वाई यू आर अफ्रेड ऑफ सिद्धार्थ, जस्ट प्ले योर गेम एंड बी वॉट एवर यू आर। मतलब तू लड़, पूरी चौड़ में आके लड़,
और उसके साथ ज्यादा गुड़ी गुड़ी बनने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे हाँ रामलाल प्रूव्स दैट पॉइंट दैट मोमो वाज फेकिंग ऑल द फ्रेंडशिप विद सिड जो पिछले एक हफ्ते से इसके जिसने मेकर जिसके वजह से मेकर्स ने भी सिड्रा स्टार्ट कर दिया था. या तो रामलाल ने आके यहाँ पे मोमो की गेम खोलने की कोशिश की है. खोल दी कोशिश खोल की दी. हाँ, तो कि वो आंखों में आंखें डाल के बात करना एंड वो सब क्या था करके. ही तो वाज या राइट एट दैट पॉइंट. हाँ, और वो अच्छा बोलता है कि दिमाग नहीं है, दिमाग में घुसा भरा हुआ है. तो बोलती है व्हाई यू टॉकिंग टू मी लाइक दिस, व्हाई यू टॉकिंग. वो बहुत उसका ईगो पे आता है. ठीक है, अभी लास्ट सीन है ये एपिसोड का. ग्लास सॉरी कैप्टन रूम में लाइट्स आर ऑफ और सिद्धार्थ और शहनाज का अपना दे आर प्लेइंग कैच अप. तो लाइक सिद्धार्थ बोलता है क्या 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 लगता है देखो सबके बारे में, पूछ पूछ किसके बारे में पूछ. फिर वो शुरू हो जाती है रामलाल है वही है लल्ला सा दिमाग लल्लड़ लेके आ. हाँ बोलती है हाँ नल्ला लल्लड़ कहीं का. हाँ दिमाग लेके आया है, अपनी टीम बनाएगा, तोड़ दूंगा ये वो ऐसे नहीं फाड़ दूंगा ऐसे बोल रहा है. और फिर रिपोर्टर चलाएगी दिमाग किसी नए लोगों के साथ जाएगी बिकॉज उसको तेरे साथ बनती नहीं है, मेरे साथ रावण और मसला के साथ नहीं बनती है. और एमटी वो जो दूसरी लड़की आई है ना चालाक है वो गाली गलौज करेगी, बता दिया तेरे को. तो सिद्धार्थ बोलता है ऐसा लगता है देखो पूरा लगता है और इनका बड़ा होगा बिल्कुल प्यार ही या या तो बिल्कुल प्यार प्यार ही ही हो जाएगा या पूरा जुलूस निकालेगी, पूरा जुलूस निकालेगी. लगता है तेरे को, मेरे को बहुत कुछ लगता है ऐसे बोलती है. यहाँ पे एपिसोड खत्म, मंडे का एपिसोड खत्म, 64 खत्म. अभी 65 हम करेंगे अगर वक्त मिला तो बाद में. अभी मेरे को मुझे भी जाना जाना है. 9:30 हो गया. ब्रेकफास्ट का तैयारी करना है. है. या मेरा भी बिकॉज ऑन वीकेंड्स आई मेक श्योर कि कुछ तो बना दूँ. तो अमन अगर दोपहर का हुआ तो हम आएंगे, हाँ, बट अगर आप आ रहे हो तो रात में आ रहे हो तो 1 बजे 2 बजे फिर हम नॉमिनेशन वाला करेंगे. माइंड ब्लोइंग है वो एपिसोड जब सिद्धार्थ एकदम किंग जैसे चेयर पे बैठा है ना गार्डन एरिया में, मुझे बहुत सेक्सी लगता है वो. दैट बट येलो शर्ट, ओ ओ माय माय गॉड गॉड, किंग है किंग. किंग है हाँ वो. ठीक है रुचि 171 कर दो. एब्सोल्युटली या ओके. थैंक्स फॉर लिसनिंग अवर लाइव डेली. अगर आपको लाइव अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब चैनल जरूर करना. थैंक यू. बाय.